अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू मेक केएफसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसके लिए मैंने 1 केजी विंग्स में लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस ऐड किया। आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपके कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं लगेंगे। देन सॉल्ट को यानी नमक को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 2 ग्लास पानी, आम पानी जो नॉर्मल घर में टैप वाटर टूटी वाला पानी है, वो ऐड करूँगी। पानी को ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मैंने तमाम पानी इसका निकाल लिया या ड्रेन कर लिया। देन इसमें हम फ्रेश लेमन जूस अगेन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। देन मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून यानी आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी, 1/4 कप योगर्ट यानी 1/4 दही ऐड करूँगी। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है जो वीडियो में स्किप हो चुका है। हम तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। इसे 30 मिनट के लिए हम अगेन रखेंगे। 1 केजी फ्लोर में 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी हम अपना चिकन देखते हैं। चिकन ने तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। अब हम चिकन की कोटिंग करेंगे इसके साथ, मैदे के साथ जो हमने अभी रेडी किया है। तो फ्लोर के साथ यानी मैदे के साथ हम इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। कोटिंग अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, ताकि इसके क्रम्स अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर बन जाएं। देन मैं इसे नॉर्मल टैप वाटर यानी आम टूटी वाले पानी में दोबारा डिप करूँगी यानी डुबाऊँगी। अगेन हम इसे मैदे में रख के अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से दबा दबा के कोटिंग कीजिएगा ताकि इस चिकन के ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएं। जब अच्छे तरीके से चिकन की कोटिंग हो चुकी होगी, हम इसे नॉर्मल यानी मीडियम फ्लेम पर जो हीट की हुए ऑयल में रखेंगे, फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो बाहर से अच्छे तरीके से कलर दे दे लेकिन अंदर से कच्चा हो। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद जी आप देख सकते हैं हमारा ब्यूटीफुल सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। ये अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।